हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एंडी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड एंटरप्रेन्योर टू। सो आज मैं आप सभी लोगों के साथ कुछ मतलब लिटरल चीज़ें हैं इंडियंस जो मतलब बहुत उसमें भेदभाव दिखा देते हैं। ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स अभी चल रहे हैं, टोक्यो में ही है सेम। ओलंपिक्स सबके स्टेटस पर मिलेगा, पीवी सिंधु जीतने वाली है, ये जीतने वाली है, वो जीतने वाले हैं, बट पैरा ओलंपिक्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? ओलंपिक्स में किन किन ने मेडल जीते? मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, रजत पदक मीन्स ब्रॉन्ज मेडल, और हाँ नीरज चोपड़ा सर, सबके मैम लगाना है भूल गया, नीरज चोपड़ा सर, उन्हें गोल्ड मेडल दिया है इंडिया के लिए। तो इतने सारे सबके स्टेटस पर मिला, हाँ भाई उन्हें गोल्ड मेडल जीता है। और इवन गवर्नमेंट उनको कितना प्रोवाइड कर रही है पता है? पंजाब गवर्नमेंट से उन्हें मिल रहे हैं 6 करोड़ रुपीज़, फर्स्ट ग्रेड जॉब। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं, बट जो लोग जो ओलंपिक्स में गए हैं उनने अपने बहुत सारे मनी खर्च किया उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, उनको भी तो कुछ प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। अप्रॉक्सीमेटली कुछ नहीं तो सेकंड ग्रेड जॉब तो दे सकते हैं ना गवर्नमेंट, है ना, जॉब नहीं दे सकते, कुछ मनी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट रतन टाटा सर वो तो हैं ही अलग, सबसे दानवीर सबसे बड़े, उनके पिताश्री जमशेद जी टाटा 100 ईयर्स में अब तक का कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका, आगे भी नहीं तोड़ेगा। उन्होंने एक एक टाटा मोटर्स की कार दी है सारे ओलंपिक्स प्लेयर्स को, जितने भी ओलंपिक्स प्लेयर थे। हम आते हैं अपने टॉपिक पे, पैरा ओलंपिक्स में देवेंद्र झांझड़िया सर भाला फेंक, वो भी एक एथलीट है, उनके बारे में क्यों नहीं मिल रहा स्टेटस, कोई क्यों नहीं मिल रही बातें किसी की? न्यूज़पेपर्स में भी इवन उनको इतना नहीं दिखाया गया। टू मच इंडियंस पीपल बहुत भेदभाव कर देते हैं। इवन ओलंपिक्स में तो भाई सबके स्टेटस चल रहे होंगे कि आज जीतने वाले हैं, पीवी सिंधु मैम जीतने वाली हैं, ये जीतने वाले हैं, वो जीतने वाले हैं, क्यों नहीं डल रहे? और के जानते ही नहीं होंगे शायद जो मैंने नेम बोला है, देवेंद्र झांझड़िया सर, और एक है सुंदर सर, उनका सर नेम मैं भूल चुका हूँ, याद नहीं है मेरे को, मतलब मुझे देख लो, मुझे भी याद नहीं है कुछ पक्का। सो लेट्स फिनिश द वीडियो। प्लीज़ डिफरेंशिएशन करना बंद कीजिए, इक्वल कीजिए। तो अगर आप लोगों को हो अभी के अभी स्टेटस पे डाल देना, सर्च करो गूगल पे जल्दी जल्दी जल्दी, देवेंद्र झांझड़िया कौन है देवेंद्र झांझड़िया सर, अभी डालो स्टेटस पे और कमेंट में बताओ तुमने किसका डाला, और पैरा ओलंपिक्स का मेरे नेम बताओ। लेट्स फिनिश द वीडियो। बहुत 4 दिन हो गए थे इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, मैंने आज डाल दिया वीडियो। कुछ मत करना कमेंट, बाय। हाँ उसकी कमेंट तो कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस वीडियो को जितना फैला दो उतना फैला दो, लोगों के अंदर चुल मच जाए एकदम। गलत वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मैंने वर्ड सुना था, मेरे को भी पता इसका मीनिंग। तो लोग मतलब अंदर से उठ हैं, हाँ भाई हम भी करेंगे शेयर इसको। ओलंपिक्स में क्यों कम मेडल्स आ रहे हैं? हम तो एक गोल्ड मेडल के इतना कर रहे हैं, चाइना जापान 10+ मेडल्स लेके गए हैं गोल्ड ओनली, क्यों नहीं आ रहे अपने यहाँ? वो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँ क्यों नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो मस्ट सी द नेक्स्ट वीडियो, परसों या नरसों आ रहा है वीडियो, ठीक है? बट इस मैसेज को और लोगों से स्प्रेड ज़रूर करना, क्यों नहीं डल रहे स्टेटस बताओ, क्यों नहीं डल रहे फेसबुक पर, क्यों नहीं डल रहे टिकटॉक तो बंद हो गया, क्यों नहीं डल रहे इंस्टाग्राम पर पोस्ट, क्यों नहीं डल रहे यूट्यूब पर इतने सारे, वो हम डाल रहे हैं ना, हमारे जैसे लोग डाल रहे होंगे इतने भी होंगे। सो लेट्स फिनिश द वीडियो, हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। मैं ओलंपिक्स वालों को कम नहीं कह रहा, पैरा ओलंपिक्स वालों को भी तो होना चाहिए यार, भेदभाव कर रहे हैं तो नॉर्मली। लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो।